स्नेक हेडफिश पानी से बाहर काफी देर तक जिंदा रहने और तेज अफजाशी नस्ल के सबब दीगर आबी हयात की बका के लिए खतरा बन गई है और इसे मार डालने की हिदायत जारी कर दी गई है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के महकमा कुदरती वसायल ने अलर्ट जारी किया है, अगर आपको लगता है कि आपने स्नेक हेड मछली पकड़ ली है तो उसे छोड़े नहीं बल्कि मार डालें। जॉर्जिया अमेरिका की 15वीं रियासत है जिसने सांप के सार वाली मछली को मारने की हिदायत जारी की है। इस मछली को चपटे सार और सांप से मुशाबहत की वजह से सांप के सार वाली मछली कहा जाता है। इसकी मादाएं साल में 10,000 तक अंडे दे सकती हैं। तेज़ अफजाइश के सबब इसकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि किसी नदी में पहुँच जाए तो फिर ये दीगर आबी हयात के लिए ख़तरा बन जाती है। इसकी ना मिटने वाली भूख इसे अपने सामने आने वाले किसी भी चीज़ को खाने पर मजबूर किए रखती है जिसमें मछलियां, मेंढक और केकड़े वगैरह शामिल हैं। इस मछली को दीगर मछलियों के मुकाबले में ज़्यादा अरसा ज़िंदा रखने की एक और अहम वजह ऑक्सीजन स्टोर करने की सलाहियत भी है। आम मछलियाँ सिर्फ गलफड़ों से सांस लेने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन इस मछली के गलफड़ों के पीछे ऑक्सीजन को स्टोर रखने वाला एक खाना भी है। स्नेक हेड मछली सांस लेने की इजाफी सलाहियत के सबब सतह ज़मीन पर रेंगने की सलाहियत भी रखती है जो इसे दीगर मछलियों के मुकाबले ज़्यादा अरसा ज़िंदा रखने में मुआविन साबित होती है। इसलिए इस मछली का मुकाबला करते हुए अपनी बका मुमकिन रखना दीगर आबी जानवरों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है।